सा ब्लूटूथ कार्ड, ठीक है। तो ये हमने पीवीसी सीट ली है, हमने पहले एक होम थिएटर बनाया था उसकी बची हुई ये सीट रखी थी। तो दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखी होंगी लेकिन आज तक आपको किसी ने एक बड़ा ब्लूटूथ कार्ड बनाना नहीं सिखाया होगा, वो भी अपने घर पे, जैसे आप होम थिएटर टावर वगैरह बनाते हो, ठीक है, इस तरीके का ऐसे यहाँ लगाने के लिए। तो देखा हमने, तो बड़े बड़े ब्लूटूथ कार्ड जो हम बाज़ार से जो टावर होम थिएटर आते हैं ये उन्हीं में लगा दिखता है, और जब आप सब लोग बनाते हो या यूट्यूब पे कोई भी बनाता है तो वो यही बाज़ार वाला लगाता है, जो कि हम कितना भी अच्छा करके बनाएं फिर सारी शो ख़राब हो जाती है, अच्छा नहीं दिखता है वो, ठीक है ना। इस पर इस तरीके का ये लंबे वाला ब्लूटूथ कार्ड लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसलिए इसका बड़ा ब्लूटूथ कार्ड बना रहे हैं, तो आप लोगों को बता दें हम किस तरीके से बना रहे हैं इसको। ये हमने ब्लूटूथ कार्ड लिया, ठीक है, ये सादा है, ब्लूटूथ नया रखा हुआ है हमारे पास, उसको लगाएंगे। तो उसकी डिस्प्ले से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया और इसको हमने कटिंग कर दिया, बड़े आराम से इजी कटिंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो शीशा है इसका, वो यहाँ पे हम लगा देंगे, और यूएसबी के लिए हम चाहें तो इसे भी आप निकाल के लगा सकते हो, कोई अलग से भी लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास एक एलईडी टीवी का मदरबोर्ड पड़ा था ख़राब, तो हमने उसमें से ये पीसीबी सहित काट लिया है और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको भी हम पेंट कर लेंगे जब इसको घिस के फिनिश करेंगे हम, तो ये हम यहाँ लगा देंगे और डिस्प्ले हमारी यहाँ आ जाएगी। और अब बात करते हैं प्ले नेक्स्ट बटन के लिए, जो इसके यहाँ पर ये वॉल्यूम नेक्स्ट प्ले, अब ये कहाँ लगेंगे, ये तो हमको लगाना नहीं है। तो उसके लिए हम ये क्या करेंगे, उसके लिए हमने पुराना जो हमारा डीडी फ्री डिस्क का सेटअप बॉक्स है वो हम इसमें से ये पीसीपी ले लिए, और इसको इतनी हम कट कर देंगे, इसको हटा के दो ये वाले ले लेंगे हम और दो ये वाले। तो ये हमारे यहाँ पे हम इसको कहीं पे भी हिसाब देख के अपने यहाँ पे इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे हम ड्रिल से होल कर लेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे क्योंकि इसके काफ़ी लंबे हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी ला सकते हो। ये देखिएगा, ये इससे काफ़ी बाहर आ रहे हैं, और देखिएगा ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इतनी दूर दूर हो जाएंगे कि दो इधर और दो इधर, कहीं पे भी लगा देंगे हम, खड़े में भी लगा सकते हैं इसको, और इसके प्रिंट काट के इस पीसीपी को भी हम काट के निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ब्लूटूथ कार्ड बिल्कुल अलग ही दिखेगा, डिस्प्ले यहाँ हो गई, यूएसबी यहाँ हो गई, प्ले पुश बटन यहाँ हो गया, और ये इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम फिनिशिंग करके जब लगाएंगे, और भी कुछ इसमें हमें लगाना होगा पड़ा तो वो भी हम लगाएंगे। तो आप भी बड़े आसान तरीके से ये सब चीज़ें कोई भी कबाड़ में से, पुरानी सामान में से लेके इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से बना सकते हो, इसे होल करने में कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। ड्रिल से एक होल करना है, एक और करना है, एक यहाँ पर करना है, और बस ड्रिल का दबा के रखना है और वो ऐसे कटता चला जाएगा। और फिर मैं आपको दिखा दूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको कोई पीवीसी इसी सीट की, पीवीसी की एक ऐसी पट्टी ले लेनी है और उस पर कोई भी रेगमाल आप ऐसे फैब्रिक बॉन्ड से एलपी से आप चिपका सकते हो, डाल के उसमें ऐसे ऐसे करके बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसे ही दो घट्टू यहाँ पे कर लेना है आपको ड्रिल से, ठीक है, और इसको एक बार इसमें दे के ऊपर नीचे ऐसे कर दीजिएगा, तो ये भी होल बड़े आराम से हो जाएगा। और अब तो हमें नेक्स्ट प्ले पुश बटन के लिए होल करने हैं, तो वो तो आराम से हो जाएंगे जी, और कुछ करना ही नहीं है। और अगर जो मैं डायरेक्ट मेमोरी कार्ड के लिए भी अगर जो छोड़ना पड़ा तो उसका भी धीरे से भरने से हम उसका भी निशान लग जाएगा। बाकी हम देखते हैं कि इसमें फ्रंट पे तो हम वॉल्यूम वगैरह नहीं देंगे। तो और ये हमारा आपको दिखाया है, ये हमने देखिए, अब हम इस टावर को बना रहे हैं, ठीक है, अब हम इस टावर को बना रहे हैं दोस्तों। इस पे हम ये वाला इस वाले कार्ड को लगा दें तो पूरा, मतलब कैमरामैन थोड़ा पीछे करना कैमरा, तो इस पे देखो ये पूरे पे कितना बुरा लगेगा, है पूरा नीचे तक आप देखिएगा। अगर हम इसको यहाँ से लगाएं, बताओ किस तरीके से बंदा लगता है, इतना बड़ा टावर हमने बनाया है, ठीक है, इतना बड़ा हमने ये टावर बनाया है और इतनी मेहनत करके बनाया है इतने सुंदर तरीके से, ठीक है। तो बड़ा ब्लूटूथ कार्ड तो बनता ही है ना, तो इसलिए हम ये लगाएंगे यहाँ पे, और ये बहुत ही सुंदर लगेगा यहाँ पे, बहुत अच्छा आनंद आ जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राधे राधे।
दोस्तों हम एक चीज़ भूल गए थे आपको बतानी। अब जैसे कि हम इसके ये बटनों के कनेक्शन करेंगे स्विच के, तो ये हमारे हैं प्ले, नेक्स्ट, वॉल्यूम वगैरह, मोड वगैरह। तो इसके कनेक्शन, हम इसके कनेक्शन की भी वीडियो आपको बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं आपको। इसमें एक एक तो इधर वाला सब ग्राउंड है, तो ग्राउंड के लिए तो आप कोई भी एक वायर ले लीजिएगा, सब पे एक ही ग्राउंड काम कर जाएगा, ठीक है। और बाकी एक एक वायर, एक एक कनेक्शन इन पे से उठा उठा के जौन सा जिसका है आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो